ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे चैप्टर 6, इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड। वर्ड में, एमएस वर्ड में हमें जब हमें इंसर्ट कराने होते हैं ऑब्जेक्ट्स, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। एंड इसकी हमें आज करनी है वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, मैं साथ के साथ पूरी वर्कशीट लिखूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, और आप लोग अच्छे से समझेंगे और आंसर देने की भी कोशिश करेंगे, अपनी नोटबुक में काम पूरा करेंगे। ठीक है, मैं समझा रही हूँ वर्कशीट साथ के साथ। मैंने यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में 2 कॉलम बनाए हैं, 3 कॉलम, लेकिन आप चाहो तो साइड में दोनों में लिख सकते हो विदाउट ड्राइंग दिस टेबल, बिना टेबल बनाए भी आप लिख सकते हो। देखो, कॉलम ए में 1 नंबर पे मैंने क्या लिखा है, एम एस वर्ड, और सेकेंड कॉलम में लिखा है टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट्स। सामने सामने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका आंसर है, ये सब ऊपर नीचे है, हमें लास्ट में मैचिंग करनी है। ठीक है, सेकंड देखो, कॉलम ए का सेकंड है क्लिप आर्ट, और कॉलम बी में है अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने जो वर्ड प्रोसेसर बनाया है वो। ठीक है, तो वो क्या है, एमएस वर्ड, इसका मतलब ये कहाँ मैच होगा, फर्स्ट वाले से मैच होगा। ठीक है, मैचिंग हम अभी लास्ट में करेंगे, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, समझा रही हूँ सारी चीज़ों का मतलब। थर्ड देखो, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट क्या होता है, टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट, मतलब कि ये हमारा कॉलम बी में ऊपर वाले से मैच होएगा, है ना, फर्स्ट वाले से। चलो, वर्ड आर्ट के सामने लिखेंगे कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स साउंड एंड वीडियो क्लिप्स, ये हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारा क्लिप आर्ट, है ना, तो हम बाद में जब मैच करेंगे तो इसको हम मैच करेंगे क्लिप आर्ट के साथ। नंबर 4 देखो, टेबल, टेबल हमें पता है क्या होता है ना, टेबल जिसके, जैसे अभी मैंने यहाँ पे भी टेबल बनाया है, तो हम इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स के तरीके से दिखाना चाहते हैं, तब हम ऐसा करते हैं। इसके सामने लिखो द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मैंने बताया था जब भी हम बात करते हैं टेबल के एक बॉक्स की तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, और एक बॉक्स कैसे बनता है, जब हमारी रोज एंड कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे लिखेंगे सेल्स, और उसके सामने हम लिखेंगे यूज्ड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना। चलो, अब मैंने इसका साइज़ थोड़ा ठीक कर दिया है सो दैट आपको दिखे, अब हम मैचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइज़ मैंने इसलिए ये किया है ताकि आपको एक ही पेज पे सब दिख जाए। अब एमएस वर्ड देखो कहाँ पे मैच हो रहा है, 2nd नंबर पे मैच हो रहा है। ठीक है, अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इज एमएस वर्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 नंबर। कोई भी लाइंस नहीं ड्रॉ करेगा मैच करने के लिए, सब लोग नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखो क्लिप आर्ट कहाँ मैच होगा, कलेक्शन ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियो क्लिप्स। वर्ड आर्ट टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट्स पे मैच होगा। टेबल यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब जल्दी से रिविजन करेंगे। फर्स्ट इज एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है दैट इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियो क्लिप्स। वर्ड आर्ट क्या होता है, टेक्स्ट विद स्पेशल इफेक्ट्स। टेबल क्या होती है, यूज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जब भी हमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन दिखानी होती है तो हम टेबल की हेल्प लेते हैं। और सेल क्या होता है, हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को हम सेल बोलते हैं। सो ये हमारी हो गई मैच द फॉलोइंग कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट वर्कशीट 4। सब लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सी यू देन, बाय।